কথাই আছে সব জায়গায় গায়ের জোর খাটে না। গতকাল নেতাজি চৌমুহনীতে ডিউটিরত অবস্থায় এক জনজাতি ট্রাফিক কর্মীকে খুবই বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ সহ মানসিকভাবে হেনস্থা করেছিল দুই যুবক, এদের মধ্যে একজন এই ছেলেটি। এই যুবক ও তার এক বন্ধু গতকাল এক জনজাতি ট্রাফিক পুলিশকে বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করেছিল, যার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। বিভিন্ন দিক থেকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের আইনি ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। রাজ্য কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকেও আজ আগরতলা সদর এসডিপিও অফিসের সামনে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী যে ব্যর্থ, তিনি যে প্রশাসন চালাতে এবং উনার বাইক বাহিনীর কাছে যে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন অপমানিত হন, ট্রাফিক কর্মী অপমানিত হন, লাঞ্ছিত হন, তার দায়ভার নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা মনে করি। আর এক মুহূর্তেও তিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার কোনো যোগ্যতা নেই, তিনি যোগ্যতা হারিয়েছেন, তিনি পদত্যাগ করুন। অবশেষে রাজ্য পুলিশ উক্ত ঘটনাকে নিয়ে আগরতলা ট্রাফিক ইউনিট পশ্চিম থানায় একটি এফআইআর করে এবং মাঠে নামে রাজ্য পুলিশ। অবশেষে দুই যুবকের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গোটা বিষয়টি নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমারকে। कुछ दिन पहले एक ट्रैफिक पुलिस के साथ एक इंसिडेंट हो गया था, इसका बहुत सारा वीडियोस भी वायरल हुआ है। तो इसमें आप वीडियो में देख सकते हैं कि तीन लोग बिना हेलमेट के जा रहे थे, तो ट्रैफिक पुलिस ने अटकाया था। तो उसके बाद कुछ गाली गलौज दिए थे इन लोगों ने। तो हम कल रात को ही इमीडिएटली एक केस ले लिया है, इसमें हमने बहुत स्ट्रिक्ट धारा भी डाला है, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट भी डाला है। आज एक आसामी को पकड़ा है हम लोगों ने, इसका नाम दीप दत्ता है, 23 ईयर्स है, ये एडीनगर का रहने वाला है। तो इसके अलावा पूजा का सिचुएशन अभी बहुत, हम लोग बहुत सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं, स्मूथली चल रहा है। और रिसेंटली जो हाईकोर्ट का गाइडलाइन है साउंड का, उसका भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रिसेंटली बरतला में भी हम लोग एक स्पीकर को सीज किया है। तो ऐसे ही पूरा जो भी कंप्लेंट्स आ रहा है हम लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, और सिचुएशन अभी पूजा में पीसफुल है। और मैं पुलिस की तरफ से सभी को पूजा का शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उसको क्यों इसके साथ ये सब बर्ताव किया है, कुछ पता चला क्या? नहीं, एक्चुअली इन्होंने जब ट्रैफिक पुलिस ने पूछा तो सडनली अग्रेसिव हो गया है और सडनली गाली गलौज देना शुरू कर दिया। तो अभी इंट्रोगेशन कर रहे हैं क्यों ऐसे किया, और इसके साथ और भी थे वो भी पकड़ा जाएगा। तीन को हमने देखा है। वो रेट चल रहा है, वो भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। वो भी आप भाग गया क्या? हाँ, भागा हुआ है, मिल जाएगा। सर कौन सी धारा है कुछ? इसमें 117, 132, 351 BNS का और सेक्शन 3 SC/ST एट्रोसिटी एक्ट। सर पूजा में नाका पॉइंट कहाँ पर रहेगा? या टोटल नाका पॉइंट्स हम लोग इस बार